Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome to my YouTube channel, The Learning Medico. पिछले वीडियो में हमने देखा था टीनिया सैजिनाटा के बारे में, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, और मैंने आपको तभी बताया था कि इट्स वेरी सिमिलर टू टीनिया सोलियम. ये दोनों बहुत सिमिलर है. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे टीनिया सोलियम. जहाँ जहाँ पर ये सेम होते हैं वहाँ पर मैंने चीज़ें रिपीट नहीं की है. अगर आपने टीनिया सैजिनाटा का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. सो लेट्स बिगिन. कॉमन नेम इट इज़ पोक टेपवर्म. पोक टेपवर्म बिकॉज पोक इट इज़ इट्स इंटरमीडिएट होस्ट, विच इज़ अ पिक. इट इज़ इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वर्ल्ड वाइड. Habitat, it is mostly found in the small intestinal worm because यहाँ पर वो proliferate करते हैं, इसलिए ये mainly small intestine में दिखाई देते हैं. And the main part is the jejunum. Morphology, adult worm, it is about 2 to 3 meter long, same as that of the solium. Scolex is 1 millimeter in diameter and is small and globular. इट हैज़ स्मॉल एंड लार्ज हुकलेट्स होते हैं जो अटैच उसे अटैच होने में हेल्प करते हैं, और उसका जो नेक है वो शॉर्ट होता है. प्रोग्लॉटिड्स आर लेस देन 1000, सिमिलर टू दोज ऑफ टीनिया सैजिनाटा, जिसे इमेच्योर मेच्योर एंड ग्रेविड. नेक्स्ट एग्स, उसके एग्स होते हैं स्फेरिकल होते हैं. इट मेजर्स अबाउट 30 to 40 micrometer इन डायमीटर. इट हैज़ अ थिन हायलिन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन व्हिच सून डिसअपीयर्स व्हेन इट इज रिलीज्ड. एंड द एग्स ऑफ टीनिया सोलियम आर इन्फेक्टिव टू पिक्स एंड ह्यूमंस बोथ. इसके जो टीनिया सोलियम के जो एग्स है ये इन्फेक्टिव होते हैं पिक्स और ह्यूमन दोनों को, और जिस विच इज़ कॉन्ट्ररी टू दैट ऑफ टीनिया सैजिनाटा जहाँ पर वो इन्फेक्टिव ओनली कैटल को होते हैं. सो ये डिफरेंस है, ये याद रखना. नेक्स्ट इट इज़ द लार्वे. इट्स लार्वे इज़ नोन एज द सिस्टिसर्कस सेल्युलोजी, वेर एज इन द टीनिया सैजिनाटा इट वॉज नोन एज सिस्टिसर्कस बोविस. सेल्युलोजी है यहाँ पर. ओके, लाइफ साइकिल. The worm passes its life cycle in two hosts, which is the definitive host is man, which harbors the adult worm, and the intermediate host is pig, which harbors the larval form. Here, intermediate host is also very important because the process of become from egg to larva takes place in the intermediate host. So, when Tinea solium causes intestinal tinnitus, its life cycle is similar to those of Tinea saginata. And the infective stage of the cysticercus cellulose, when it causes cysticercus cellulose, which is not caused in case of Tinea saginata, human beings are infected by consuming inadequately cooked pork containing cysticercus cellulose. Jab Tinea solium सिस्टिसर्कस सेलुलोजी कॉज करता है तब उसकी लाइफ साइकिल डिफरेंट होती है. कैसे अब देखेंगे हम. ओके, व्हेन टीनिया सोलियम कॉजेस सिस्टिसर्कोसिस इट्स लाइफ साइकिल द डेफिनी. इसमें क्या होता है, जो डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट ये दोनों एक ही होता है. कौन है, मैन है. इन्फेक्टिव स्टेज टीनिया एग्स ऑफ टीनिया सोलियम, हमने देखा था इसके जो एग्स है वो दोनों का इन्फेक्टिव है. And the mode of infection. Man acquires infection by ingesting eggs containing contaminated food and water, or by odor infection. यहाँ पर क्या हो सकता है, contaminated food या water through अगर वो eggs man ने swallow कर लिए तो उसे cysticercosis हो सकता है. And the further development of egg is similar in that of man and pig. आगे के डेवलपमेंट पूरी सिमिलर है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है टीनिया सैजिनाटा का, पहले वो वीडियो देखिए, आपको ये लाइफ साइकिल नहीं समझेगा. नेक्स्ट, ऑन्कोस्पोर्स आर रिलीज्ड. जब एग्स अंदर आते हैं तब एग रप्चर होता है, ऑन्कोस्पोर्स रिलीज होते हैं और वो डियोडेनम या फिर जेजुनम में जाते हैं. उसके बाद वो पेनिट्रेट करते हैं इंटेस्टिनल वॉल को एंड एंटर इन द मेसेंट्रिक वेन्यूस और लिम्फैटिक्स एंड आर
कैरिड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन. एग्स स्वॉलो किए मैन ने, एग्स रेप्चर हो गए, उनकी थिन हेलिन एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन वो रेप्चर होगी, ऑन्कोस्पोर रिलीज हो गए. कहाँ रिलीज हो गए? डियोडेनम हो या फिर जेजुनम में. वो क्या करेंगे? वो पेनिट्रेट करेंगे किसको? इंटेस्टिनल वॉल को, और एंटर होंगे मेसेंट्रिक वेन्यूल्स में और लिम्फैटिक्स. फिर वो आ जाएंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में. उसके बाद वो डिफरेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स में कैरी किए जाएंगे एंड दे आर फिल्टर्ड इन द मसल्स. वो जाके वो एंड में जाएंगे मसल्स में, जहाँ पर उनकी डेवलपमेंट होगी लार्वल स्टेज में. एंड द लार्वे डाई विदाउट फर्दर डेवलपमेंट. आगे डेवलपमेंट नहीं होती और वहाँ पर ही लार्वे मर जाते हैं. बहुत सिंपल है. एग्स स्वॉलो किए मैन ने कंटामिनेटेड फूड या वाटर से, एग्स हो गए रेप्चर. रेप्चर होने के बाद ऑन्कोस्पोर रिलीज हो गए. कहाँ रिलीज हुए? डियोडेनम या फिर जेजुनम में, जहाँ उसका हैबिटेट है. रेप्चर होने के बाद वो आ जाएंगे मेसेंट्रिक वेन्यूल्स में, उसके बाद आएंगे वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में. फिर वो कैरी होंगे डिफरेंट पार्ट्स में. कैरी होने के बाद वो एंड में आएंगे मसल्स में, जहाँ वो लार्वा स्टेज में डेवलप होंगे और बिना किसी फर्दर डेवलपमेंट में इसे लार्वा वहाँ पर मर जाएंगे. सो पैथोजेनिसिटी, इट कॉजेस इंटेस्टिनल टीनियासिस एंड इट इज कॉज बाय बोथ टीनिया साजिनेटा एंड टीनिया सोलियम. एंड द सिस्टर सर्कोसिस, इट इज कॉज बाय लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम. एनी ऑर्गन्स और टिश्यूज मे बी इन्वॉल्व, मोस्ट कॉमन बींग द सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड मसल्स. कोई भी ऑर्गन या फिर टिश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं, और मेनली यहाँ पर मसल्स होते हैं क्योंकि लार्वा की डेवलपमेंट मसल्स के अंदर होती है. एंड द क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड अपॉन द साइट अफेक्टेड. जो भी साइट अफेक्टेड है उसके ऊपर क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स है तो वो मोस्टली असिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं. मस्क्यूलर सिस्टी सर्कोसिस में कॉज एक्यूट मायोसाइटिस एंड न्यूरो सिस्टी सर्कोसिस इज मोस्ट कॉमन एंड सीरियस फॉर्म. नेक्स्ट, इट इज़ अ लैब डायग्नोसिस. सिस्टी सर्कोसिस का अलग लैब डायग्नोसिस होगा, वो भी मैं बताऊंगी. फर्स्ट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फीसेस. सो टीनिया, हमें फीसेस में टीनिया दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम उसे देखेंगे. एग्स भी डिटेक्ट होंगे एनटीएच स्वैब में. एनल का स्वैब लिया जाता है और फिर उसे कल्चर किया जाता है. देन द सीरो डायग्नोसिस, इट कैन बी डन बाय इलाइजा एंड आइज. मॉलिकुलर डायग्नोसिस, इट इज़ डन बाई डीएनए प्रोब्स एंड पीसीआर टेक्निक्स. इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन, जब कन्फ्यूजन हो जाए कि ये एग्स है पर ये किसके है, टीनिया साजिनेटा के है या सोलियम के, मीन्स उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देने को उस पेशेंट को, तब हम मॉलिकुलर डायग्नोसिस यूज़ करते हैं. डायग्नोसिस ऑफ सिस्टी सर्कोसिस, पहले तो हम बायोप्सी करेंगे. जब सबक्यूटेनियस टिश्यू नोड्यूल्स इन्वॉल्व होंगे तब हम बायोप्सी करेंगे कि उसमें सिस्टीसेरा है क्या, लार्वल स्टेज है क्या. फिर सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन, अगर जो लार्वे है अगर ब्रेन के टिश्यूज़ में चले गए तो हम सिटी स्कैन करेंगे ब्रेन का. उसके बाद अगर हमें डाउट लगे तब हम MRI भी करेंगे. एंड द एंटीजन डिटेक्शन इन सीरम एंड CSF बाय ELISA. एंटीजन डिटेक्शन करेंगे बाय ELISA और CSF. एंड द ट्रीटमेंट इज द प्राजिक्वांटल 5 to 10 mg per mg and the niclosamide 2 gram. Prophylaxis, prevention better than cure. So हम prevention क्या लेंगे? Avoidance of eating raw or undercooked beef. Meat should be properly cooked for avoidance of any other infections. Adequate meat inspection from the slaughter house. In the slaughter house meat का inspection होना चाहिए proper if it is infected. If then it should be not sold to the customers. And the proper sanitary control of the sewage disposal should be done for avoidance of the spread of infection. So thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.